साइबर अवेयरनेस, ये लिखिए साइबर अवेयरनेस। साइबर का मतलब क्या होता है पता किसी को? व्हाट इज साइबर? बट साइबर का मतलब है द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट सारे वर्तते हो? यस सर। सारे तो वर्तते हो ना? यस सर। मतलब साइबर अवेयरनेस का मतलब कि जब तुम इंटरनेट पे काम करना है तो अपने आप को जागरूक करना कि इंटरनेट पे किने काम करने हैं और किने काम नहीं करने। तुम क्या करते हो इंटरनेट पे? जो दिल करता है करी जाते हो, बट बड़े इंटरनेट पे ध्यान ना काम करना। इंटरनेट पे आजकल बड़ी चीजें आ चुकी हैं। पहले जिन्हें भुगतान सी सारे नकदी होते थे ना, तो हूँ आजकल क्या हो गए कैशलैस। कैशलैस भुगतान कड़े कड़े आ गए हैं, जैसे पेटीएम, पेटीएम करो, और गूगल पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, अलग अलग चीजा आ गई हैं। सानू तो वधिया लग रही हैं, बट बेटा नुकसान भी है। तुम जो कोई गलत वैबसाइट खोल लेंगे हो, जिदा एमाजोन है, फ्लिपकार्ट है, ए वैबसाइट से ऑथोराइज है की है, तो कई बार ऑफर मिलती है, तुम भी करते हो, चाहते हो कि उस साइट तो चीज़ सस्ती मिलती है, बना लीए। बट इस तरह कभी नहीं करना, उस वैबसाइट में ओपन करना है जेड़ा तुम्हें पता है कि वो वैबसाइट अथेंटिक है, तो थोड़ा नुकसान नहीं होगा। इस तो अलावा तुम मोबाइल पर कई बार मैसेज आते हैं कि इस मैसेज में 10 बंद भेजो या 10 ग्रुपों में भेजो तो तुम्हें कैशबैक मिलेगा। भेज देंगे हो बट इदा कभी नहीं करना बेटा। जो भी मैसेज भेज देंगे हो, जो बंदा उस लिंक पर क्लिक करेगा वो इन्फॉर्मेशन मांगता है, जो नाम, वो शहर का नाम, मोबाइल नंबर, तो बाद चुना है कि जो ओटीपी आएगा भरे हो। बट जो गलती ना तुम ओटीपी भर देते हो ना, तो तुहाडे खाते चो पैसे निकल जाएंगे। चलो तुहाडे खाते पैसे नहीं है, फोन के पेरेंट्स यूज करते पे हो, क्योंकि अजकल आधार कार्ड मोबाइल नंबर न लिंक हो चुके हैं, तो वह बैंक न लिंक है, तो तुहाडे खाते चो पैसे निकल जाने। तीन चार दिन पहले साढ़े शहर पठानकोट ची एक यहोजा ही स्कैम हो, मोबाइल से मैसेज आया कि अज रात 9 बजे तो बाद तो बिजली का कनैक्शन कट दिता जाए। न्यूज़पेपर 3-4 दिन पहले आया, वो डर गए, कहते साढ़े रात 9 बजे बिजली चली तो आप की करा। उन्होंने की किया, जिस नंबर तो मैसेज आया से उत्थे कॉल की, उन्होंने कहा कि कितों बोलते पे हो? कहते हैं जी इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड तो बोल रहे हैं। सर कहते हैं कि मेरा तो जी बैलेंस बिल्कुल नील है, मैं बिल चेक किया 0 है। कहते नहीं नहीं, यह मेनटेनेंस चलती पी है, वो 100 रुपया जोड़ा है तो PSPCL इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में पे करना पैना। कहते ठीक है, उन्होंने दसिया कि इस अकाउंट से तुम 100 रुपया पे करो, उन्होंने 100 रुपया पे कर दिता। लेकिन बेटा कोई अद्धे पौने घंटे ही उन्होंने खाते चो 1,70,000 रुपये निकल गए। हाँ जी, उन्होंने जिदा 100 रुपया भेजा, उन्होंने उन्होंने खाता हैक कर लिया, उन्होंने उन्होंने कोई मैथड यूज किया ऑनलाइन, वो पेटीएम भी हो सकता है, गूगल भी हो सकता, फोनपे भी हो सकता है, उन्होंने खाते पैसे निकल गए। तो जो पता लगा उन्होंने समा बड़ा हो गया, जो उन्होंने साइबर सैल से कंप्लेट की, उन्होंने कहा कि असं बड़ी बार लोगों को अवेयर किया कि यहोजा काम ना करो, तो बट लोग कहते फिर ही समझते। इस करके अपने घर दिन भी कहना कि जेकर कोई यहोजा मैसेज आता है कि तुम्हारी बिजली कट दी जाएगी रात 9 बजे इस नंबर पर कॉल करो, उस मैसेज नंबर को ब्लॉक कर देना, तो अगे भी कह देना है कि इस नंबर पर क्लिक ना करो। इस तो अलावा लोगों को अच्छे बड़ी ज्यादा आदत है कि घूम फिर जाते हैं, ना ही अपनी फोटो शेयर कर देंगे कि आए जी शिमला गए हैं, मनाली गए हैं, डलहौजी गए हैं, विद फैमिली एंजॉय करते पे हैं। इसी तरह कुछ दिन पहले यहोजी वारदात हो रही, लोग घूम गए थे पिछों उन्होंने घर चोरी हो गई, चोर फड़िया गया। कुछ दिन बाद उन्होंने कहा कि तेन कि पता लग गया कि घर नहीं सी है, कहना मैं सोशल मीडिया से एक्टिव है, कहना उन्होंने फेसबुक से इंस्टाग्राम से स्टोरी शेयर की थी कि एंजॉय दिसंबर होलीडे डलहौजी मनाली शिमला, क्या सर पता लग गया घर कोई नहीं है, कहना मैं चोरी कर ली जा। सो इन गलों का भी ध्यान रखना है कि साइबर अवेयरनेस। हूँ साइबर अटैक हो गया, तुम दसिया कि तुम्हारे खाते चो पैसे निकल गए, तुम्हें मैसेज कर दिता, बट इसके नाल साइबर सिक्योरिटी भी है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब की है? साइबर सुरक्षा, इंटरनेट सुरक्षा, कि इंटरनेट से तुम अपने आप को सुरक्षित किए कर सकते हो। हूँ तुम्हारा एंड्रॉयड फोन है, वो ऑनलाइन चलता, तुम्हें पता नैट चलता, जी तुम अपने फोन पर पैटर्न लगाएगा, पिन लगाई दी है, फेस लॉक लगाएगा, थंब लॉक लगाएगा, सिक्योरिटी है किसी। बट साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो थोड़े फोन के मान लो पेटीएम चलता पे, फोन पे चलता पे, बेटा वो अलग तरह की सिक्योरिटी होंगी। UPI पिन सैट करते हो, वो भी कभी किसी ने शेयर नहीं करनी, ऐप लॉक लगा लो, थोड़ी ऐप में कोई ओपन ना कर सके, जिदा फोन पे है मान लो पैटर्न किसी ने कर लिया, लेकिन हर ऐप में लॉक लगा होना चाहिए। इस अलावा फोन से मेल आई डी यूज करते हो, ईमेल जिसे जीमेल बोलते हैं, वह पासवर्ड थोड़े थोड़े समय बाद चेंज करते रहना चाहिए। तो पासवर्ड कहोजा होना चाहिए तू दस सकता है? पासवर्ड कभी भी अपने नाम का नहीं रखना, अपने डेट ऑफ बर्थ का नहीं रखना, अपने
मोबाइल नंबर तक नहीं रखना। फिर पासवर्ड कहो जो होना चाहिए स्ट्रोंग पासवर्ड। स्ट्रोंग पासवर्ड का मतलब भी थोड़ा पासवर्ड जोड़ा है वो होना चाहिए और अल्फाबैट होना चाहिए, कोई लैटर वाडा कोई लैटर छोटा। उस तो अलावा स्पैशल सिंबल जिमें कि एट द रेट हैश डॉलर अंडरस्कोर एवं जो सिंबल भी होना चाहिए ते नाल नंबर भी जरूर ऐड करने चाहिए ता तुसी अपने आप को नैट से सिक्योर कर सको। जेकर कभी किसी की कॉल आए कि तुहाडा जी अकाउंट जिहड़ा है ब्लॉक हो गया, मान लो स्टेट बैंक इंडिया का एच डी एफ सी का, तुहानू ये कि तुहाडे फोन पर ओ टी पी आना देना चाहिए नहीं देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना। तो ओ टी पी का मतलब क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड। की बोलते हैं? वन टाइम पासवर्ड। हाँ, कि अपना ओ टी पी कभी भी किसी नाल शेयर नहीं करना। मान लो बोलता है तुहाडे स्कूल के टीचर बोलते पे हैं कि तुहाडी स्कॉलरशिप आई है, तुहाडी स्कॉलरशिप आई है, तो तुम ओ टी पी दो तुहाडी स्कॉलरशिप आ जाएगी, करो शेयर। जे मेरा नंबर सेव है, मैडम का नंबर सेव है, ताही शेयर करोगे ना कि तुहाडा टीचर बोलता पे है। इदा अननोन बंदा कहे कि तुहाडा टीचर बोलता पे, शेयर करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। इस करके यह चीज़ों का ध्यान तुम्हें रखना। ये नाल अपने सिस्टम सिक्योर करने लिए सिस्टम च एंटीवायरस भी होना चाहिए। कि होना चाहिए? एंटीवायरस। वायरस क्या होता है? वायरस एक प्रोग्राम होता है जिहड़ा की करता है साडे सिस्टम को खराब कर देता है, चाहे मोबाइल है चाहे कंप्यूटर है। उसके लिए एंटीवायरस वाला सिस्टम होना चाहिए, जिमें कि नोट डन, मैकैफे, नोट 32, एबीजी, पेंडा, कैस्परस्काई, अलग अलग एंटीवायरस ने। यह थोड़ी इलेक्ट्रिक डिवाइस जरूर होना चाहिए। तो कभी भी फ्री वाले एंटीवायरस जोड़े हैं वो डाउनलोड नहीं करने, पेड एंटीवायरस लोड करने। हूँ मैं लैपटॉप वरतना है, मैं पेड एंटीवायरस ले, क्योंकि मैं सारा दिन नैट पर रहना होंगे, ऑनलाइन होना होंगे, ताकि मेरा जो जरूरी डाटा है वो कोई हैक ना कर सके। तो यह चीज़ें सैबर के ना समझ, ठीक है? लगे पता? थैंक यू।